बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, एंड दैट इज गॉसेस लॉ। ठीक है, अच्छा गॉसेस लॉ क्या है या ये क्या चीज़ है? गॉस वॉज अ साइंटिस्ट, गॉस वॉज अ फिजिसिस्ट। इन्होंने ये एक लॉ दिया, एंड दैट इज क्या स्टेटमेंट है? द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, अब ये क्या चीज है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पिछले याद करें कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इज एक्चुअली शेप इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वॉज वॉट, फाइ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। डू यू रिमेम्बर कि हमने फ्लक्स की ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, जब हम एक फ्लक्स कब मालूम कर रहे हैं, जब किसी क्लोज सरफेस के अराउंड मालूम कर रहे हैं, और क्लोज सरफेस हमने स्टार्ट में क्या रखी थी, एक स्फेरिकल बॉडी ली थी और क्यू को हमने उसके सेंटर पे रखा था, लेकिन इन द एंड वी फाउंड कि ये जो फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो तो सारी डेरिवेशन के बाद वो आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस के वो जो हमने सरफेस एरिया वहाँ पे रखा था कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, तो वो तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में। तो हमने ये पाया था, वी हैड कंक्लूडेड कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विच इज एनक्लोजिंग अ चार्ज पार्टिकल इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम एंड इट इज ज्योमेट्री और शेप डिपेंडेंट ऑफ द सरफेस विच इज एनक्लोजिंग इट। ठीक है, तो अब गॉस ने क्या स्टेट किया, गॉस ने ये कहा कि अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर हम फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज नहीं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस या जितने भी पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो फ्लक्स उसके उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना होगा, 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं उन सब का सम करके आप रख दें, तो दैट वुड बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, उसके लिए यहाँ उन्होंने सरफेस बनाई कि सपोज हम एक आर्बिट्री शेप ले लेते हैं, क्योंकि शेप इंडिपेंडेंट है फ्लक्स, ये तो हमने पता चल ही गया था, जरूरी नहीं कि हम स्फेयर ही रखें, हम क्यूब ही रखें, हम कोन ही रखें। ठीक है ना, तो आई टेक एन आर्बिट्री शेप हियर एंड आई पुट डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एक Q1 है, Q2 है, एक Q3 है, Q4 है, लाइक दैट नंबर ऑफ चार्जेस बीइंग एनक्लोज्ड बाय एन आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस फ्लक्स के थ्रू एनी क्लोज सरफेस के फॉर्मूले के तहत वी विल फाइंड आउट फ्लक्स फॉर ईच ऑफ दीज स्मॉल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, स्मॉल फ्लक्सेस ड्यू टू ईच ऑफ दीज पॉइंट चार्जेस, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स due to Q1 will be what, Q1 by epsilon naught and I will call it as phi1, small flux through that surface which is enclosing a small point charge Q1, क्योंकि flux हमने पढ़ा कि scalar quantity है, तो हम हर charge के around जो भी flux आ रहा है हर charge की वजह से उसको हम अलग अलग calculate करेंगे, छोटे छोटे flux के जो भी आएंगे हर charge की वजह से, और फिर हम सबको add up कर देंगे। ठीक है, phi2 क्या होगा, it will be the flux due to the charge to एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमने पिछले केस में पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस विच इज एनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। अब हम यहाँ मीडियम डिपेंडेंट हमने वैक्यूम यूज किया हुआ है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे स्मॉल फ्लक्स आएंगे, तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना, दैट वुड बी द सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस ड्यू टू ऑल दीज स्मॉल पॉइंट चार्जेस लाइक दिस। तो अब phi1, phi2, phi3 की जगह मैं क्या लिखूंगी, आई विल राइट q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लाइक दिस। तो अब इन सब में देखें क्या कॉमन है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, मैं इसको ऐसे रख लूंगी, q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो ऑन, जितने भी आपने चार्जेस रखे हैं, और फाइनली ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं q लिख दूं अगर इन सब का सम, तो ये इस तरह से मुझे मिल जाएगा, एंड फाइनली आई गेट, या बल्कि कैपिटल क्यू लिखना चाहिए ताकि ये डिफर करे इस फॉर्मूले से, कि ये तो ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज है और ये टोटल चार्ज है। तो फ्लक्स ने बताया कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच इज एनक्लोजिंग नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इन इट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया फ्लक्स का, विच इज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ।
ठीक है. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ये आप इसको इसी तरह डिराइव करिएगा. उम्मीद है कि समझ आ गई होगी. और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़. और अपना ख्याल रखिएगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.